देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। IIT रुड़की द्वारा 35 मार्च तक आश्रितों को बाहर निकालने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं दो दिन से ABVP कार्यकर्ता आश्रितों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद ABVP ने IIT के मुख्य गेट पर प्रबंधक का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि IIT के निदेशक की मनमानी के चलते मृतक आश्रितों को नौकरी से निकाला जा रहा है। जब तक मृतक आश्रितों को दोबारा से नौकरी नहीं दी जाती, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मतलब शर्मनाक कह सकते हैं आप, अमानवीय कृत्य कह सकते हैं इसे, कि जो उनके घर में कमाने वाला था उसी व्यक्ति को IIT ने नौकरी से निकाल दिया है। अब उसका पूरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये एक बहुत ही दुखद विषय है IIT प्रशासन द्वारा जो लिया गया है। और हम लोग कल सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था IIT को चेताने के लिए कि प्रशासन को कि मृतक आश्रित अकेले नहीं है, इनके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा एक बहुत बड़ा संगठन साथ में है। आज हम लोगों ने IIT प्रशासन का डायरेक्टर का पुतला फूंका है। केवल उन्हें यही चेता रहे हैं कि वो इन IIT के जो मृतक आश्रित निकाले गए हैं उन्हें वापस नियुक्ति दी जाए। ये है IIT रुड़की प्रशासन द्वारा मृतक कर्मचारियों को, जो मृतक आश्रित कर्मचारी हैं उनको निकाल दिया गया था, तो हमारी मांग ये है कि उन कर्मचारियों की बहाली जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनमें कमाने वाला केवल अकेला व्यक्ति है और उस व्यक्ति की नौकरी IIT रुड़की के डायरेक्टर खा चुका है।